हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे ससुराल में है शादी, तो हम लोग जा रहे हैं गांव। ये बोकारो से लगभग 20 से 25 किलोमीटर दूरी पे है। सुबह सुबह निकल गए थे हम लोग और यहाँ पे मैं सो गई हूँ। एक तो नींद भी आ रही थी और दूसरी मुझे मोशन सिकनेस भी हो जाती है। रास्ता काफ़ी अच्छा बना हुआ है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा हमें पहुँचने पर। पहुँचने पर हमारा ऐसे कुछ स्वागत होता है, ये एक तरह का नियम है हमारे यहाँ कि शादीशुदा औरतों के पैरों में इस तरह से आलता लगाया जाता है और जो आलता लगाती हैं उनको नेक भी मिलता है। तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे लगवा करके। ये पहली बार ऐसा मेरे साथ हो रहा था क्योंकि इसके पहले मैं किसी शादी में गाँव नहीं गई थी। इसके पहले मैं बस ऐसे ही गाँव गई थी एक बार और ये हो गया। फिर लड़के की शादी थी चूँकि, तो ज़्यादा कुछ रस्में नहीं थी। हमारे बड़े भैया की शादी थी जो हमारे जेठ होंगे और ये हमारी बड़ी मम्मी हैं। और बारात निकलने से पहले एक रस्म होती है आम पूजने की, तो यहाँ मोर पहन के भैया हमारे जा रहे हैं जहाँ पे आम पूजा होगी। चूँकि मैं छोटी हूँ तो मुझे इसमें कुछ करना नहीं है, तो बस पीछे पीछे खड़ी हूँ। और ये काफ़ी मज़ा आता है इसमें जाके आम पेड़ के पास, जो माँ होती हैं, चाची लोग होती हैं, ये लोग मिल करके आम पेड़ के साथ कुछ रस्में होती है जो मुझे नहीं पता क्लियर में कि क्या होता है। और फिर सब नाचते नाचते देखिए सब जा रहे हैं। माँ चाची लोग होती हैं वो हमारे तरफ बारात पे नहीं जाती। वैसे तो बारात नज़दीक में थी, हम लोग भी बारात गए थे। तो यही कुछ रस्में होती हैं जिसमें घर की औरतें इंजॉय कर लेती हैं। बारात जाने के बाद भी इस तरह का ही कुछ होता है, नाच गाना होता है और ये ढोल वगैरह बज रहा है और ये स्पेशल एक डांस होता है शादी वाला जो घर की औरतें करती हैं। फिर इसके बाद बारात निकलने का टाइम हो गया, बारात पहुँच भी गई और ज़्यादा टाइम नहीं लगा। और यहाँ पर अब जयमाल के लिए सब रेडी हो रहे हैं। दुल्हन को भी आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी निपट रहा था। हम लोग भी काफ़ी टाइम पे पहुंच गए थे। जयमाला होने के बाद हम लोग खाने पीने लगे। ये स्नैक्स का काउंटर था, बहुत सारे स्नैक्स भी था, खाना भी था। खाना खाया हमने, कुछ फ़ोटोज़ खिंचवाएं और इस तरह से इंजॉय करते हुए शादी हो गई। और ये लास्ट में सिंदूरदान था, फिर हम लोग घर वापस आ गए।